दोस्तों आज आप देख रहे हैं एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि है एथर 450X का थर्ड जनरेशन। आज मैं आपको इस स्कूटर के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये स्कूटर प्रीमियम क्यों है और किन वजह से बाइक या स्कूटर प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। आप जानते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसकी जैसे बैटरी पैक या फिर चार्जिंग टाइम या फिर फीचर्स या फिर मॉडल या डिज़ाइन, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और उसको कैसे बनाया गया है, इसके आधार पर भी स्कूटर या बाइक प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल और डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, तो पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो एक शार्प मडगार्ड मिलेगा और यहाँ पर इसकी बैकलाइट को थोड़ा सा यूनिक बनाया गया है जिसमें एथर लिखा हुआ, और पीछे से आप देखेंगे थोड़ा सा छोटा कॉम्पैक्ट एक फ्यूचरिस्टिक इसमें आपको डिज़ाइन मिलता है। मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा इस स्कूटर को और आप देखेंगे, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये मिंट ग्रीन कलर है। और अब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको सिंपल वन की याद आएगी जो मेरे चैनल पर आप लोगों ने देखा था, लगभग वही डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप मडगार्ड देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको शार्प बनाया गया है, एक चोंच की तरह बनाया गया है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको दो DRL यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको LED लाइट का सेटअप मिल जाता है और अलॉय व्हील भी इसमें मिलते हैं, और इस पर ऑरेंज कलर का स्टिकर आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे मिंट ग्रीन पे यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर एथर लिखा हुआ है। एक शार्प फ्यूचरिस्टिक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसका बनाया गया है। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि भाई आखिर ये प्रीमियम क्यों है। जैसे इसमें फीचर्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि भाई इसको बनाया कैसे गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसके बारे में और अधिक जानने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे इसका पूरा सिस्टम दिखाया गया है कि कैसे इसको बनाया गया है। जैसे कि इसमें जो ये बैटरी पैक रखा हुआ है एल्युमिनियम अलॉय से इसको कवर्ड किया गया है और एल्युमिनियम चेसिस है, यहाँ पर मेटल का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर मोटर भी मिलती है, हब मोटर नहीं मिलती है क्योंकि हब मोटर से स्कूटर थोड़ा सा चीपर फील देते हैं। मोटर इसकी यहाँ पर रखी हुई है, बैटरी इसकी बैटरी पैक यहाँ पर रखा हुआ है, और आप देखेंगे एथर डिज़ाइन इन इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेल्ट ड्राइव है, और बेल्ट ड्राइव में देखेंगे उसमें आपको टीथ भी मिल रहे हैं, तो इससे ये स्कूटर प्रीमियम है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिससे ये स्कूटर प्रीमियम कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राइस भी इसकी काफ़ी हाई रखी गई है। तो अगर मैं एक बार में आपको इस स्कूटर के फीचर्स बताना चाहूँ तो रिवर्स असिस्ट, 22 लीटर बूट कैपेसिटी है, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक है, रियर मोनो सस्पेंशन है, पुश नेविगेशन है, गाइड मी होम लाइट है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, ऑटो इंडिकेटर स्विच ऑफ है, लोकेट माई स्कूटर है, और राइड स्टैटिक्स हैं, और चेक चार्ज स्टेटस, रिमोट डायग्नोसिस। तीन कलर आपको मिलते हैं, स्पेस ग्रे, वाइट, और आपके सामने है मिंट ग्रीन। इस स्कूटर की मैं प्राइस आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस स्कूटर का अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी जो सेंट्रल सब्सिडी होती है उसको काट के 1,61,850 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और अगर आप 450X लेते हैं थर्ड जनरेशन जो कि आपके सामने है, तो ये मिलेगा आपको 1,84,435 रुपये में। तो अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। ये मैंने आपको प्राइस बताई, अब उत्तर प्रदेश में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलती तो ये थोड़ा सा और कम मिलता, इसमें आपको सेंट्रल में जो सब्सिडी मिलती है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको भी कट करके उसमें दिया गया है। अब आप देखेंगे भाई यहाँ पर इसमें पीछे आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, और टायर साइज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 180/12 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे भाई इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिल रही है, और इसमें पीछे आपको 190 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है, और आगे अगर आप देखेंगे तो 200 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। टायर साइज़ आप यहां पर देख लें, 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, यहां पर आप देखेंगे 200 mm की डिस्क ब्रेक के साथ आता है, और जैसे जब आप पीछे की ब्रेक लगाएंगे तो इसमें आगे की ब्रेक लग जाएगी। और इसके अलावा जैसे मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स बताऊंगा, उसके बाद फीचर्स दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप यहाँ पर देखेंगे मोनो सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है भाई। जैसे अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें भाई, तो इसमें आपको टॉप स्पीड मिलेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, इसमें मतलब 80 की स्पीड आपको मिल जाएगी, और 0 से 40 की स्पीड पकड़ने में मात्र 3.3 सेकंड ये स्कूटर लगाता है। इसमें आपको 4 मोड मिल जाते हैं, रैप, स्पोर्ट, राइड, इको, स्मार्ट इको, ये मिलता है। मोटर की बात करें तो PMSM है, IP66 प्रमाणित है, और इसका जो और इसके जो कंट्रोलर हैं उनको IP65 से प्रमाणित किया गया है। और अगर हम रेंज की बात करें कि ये स्कूटर आपको रेंज कितनी देगा,
तो इसमें आपको मिलेगी 146 की रेंज, 105 की रेंज और 85 किलोमीटर की रेंज। जैसे मोड आप यूज करेंगे वैसे ही रेंज इसमें आपको मिल जाएगी। बैटरी की हम बात करें तो 3.7 किलोवाट की बैटरी है, जो कि यूजेबल कैपेसिटी है 3.24 किलोवाट की। इसमें लिथियम आयन 21,700 सेल वाली लिथियम आयन बैटरी मिलती है। IP67 प्रमाणित है, एल्युमिनियम एलॉय से वो कवर्ड की गई है। और इसके अलावा कुछ और भी इसके टेक्निकल स्पेक्स हैं जो कि मुझे आपको बताने पड़ेंगे भाई। सबसे पहले हम डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ा साइज में डिस्प्ले है। इसमें आपको 7 इंच का TFT LED बैकलिट कैपेसिटिव टच मिलता है, IP65 प्रमाणित है। और इसमें स्नैपड्रैगन 212 क्वाड कोर 1.3 GHz प्रोसेसर है, 2GB रैम है इसकी और 16GB स्टोरेज है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स OS AOS भी इसमें आपको मिलता है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ, इसको मैं रख देता हूँ साइड में जिसको, और अब मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे एक स्विच है, यहाँ से आप इसके राइड मोड को चेंज करेंगे। जैसे आप देखेंगे रैप, ये सबसे भयंकर मोड है, इसमें आपको 80 से 90 की टॉप स्पीड मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्ट मोड है, यहाँ पर राइड मोड है, यहाँ पर इको मोड है। ये चार मोड आपको इस टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। यहाँ पर ये इससे स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे हाई बीम लो बीम है, और यहाँ से मैं लाइट को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये है लाइट, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इंडिकेटर। यहाँ से ये इसमें आपको बजर भी मिल रहा है, मतलब ये आवाज़ कर रहा है, ये अच्छी बात है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये अपने आप बंद हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने इसका हैंडल सीधा किया, जैसे अभी हो सकता है बंद हो जाए भाई, क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा है, तो अपने आप ही इसका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ये सुविधा इसमें दी गई है। अब ये चल नहीं रहा है तो ना बंद हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर जैसे आपकी किल स्विच आपने जैसे बंद कर रखी है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, और आप पहले स्टैंड देख लो। यहाँ से ये स्टैंड भी काफ़ी स्टाइलिश और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है भाई। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे ये पार्क असिस्ट आप जो देख रहे हैं, ये आपको पीछे करने का मतलब रिवर्स गियर है। और मैं इसको जैसे यहाँ से पहले साइड स्टैंड बंद कर लेता हूँ, अब अकेले भाई काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ से मैं इसको ऑन कर लूँगा। ए अब आप देख सकते हैं ये पार्क असिस्ट ऑन हो चुका है, और आप इसको यहाँ करेंगे तो अब जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे तो ये स्कूटर पीछे को चला जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, ये हट चुका है। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया जैसे चार मोड हैं, और एस्टिमेटेड रेंज 40 किलोमीटर की ये दिखा रहा है स्कूटर। यहाँ पर बैटरी 59% इसमें है, एवरेज 3 किलोमीटर प्रति आवर, और ट्रिप ए ट्रिप बी ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और इसमें ये मोबाइल का सिग्नल, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है। eSIM इसमें लगी हुई है, और वो जैसे अभी आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन बाद में आपको जैसे उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर BF, ये नंबर इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। यहाँ पर हाई बीम ऑन है, और सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे एक इको मोड है और एक स्मार्ट इको है। जिनको सिर्फ रेंज से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो स्मार्ट इको मोड पर चलाएंगे। और जिनको स्मार्ट इको में लगभग 35 से 38 की स्पीड मिलेगी, और अगर आप इको में चलाएंगे लगभग 48 से 50 तक की स्पीड मिल जाएगी। और यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट डार्क ऑटो, ये थीम इसमें मिल जाएगी। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ये शट डाउन क्या है, ये आप देखेंगे ये शट डाउन है। शट डाउन का मतलब जैसे आपकी आपने बैटरी इसकी फुल चार्ज कर रखी है, और उसके बाद आपको कहीं जाना है और आप चाहते हैं कि इसको शट डाउन करके जाएं, क्योंकि जैसे यहाँ से अगर आप चाबी इसकी बंद कर देंगे तो वो चीज़ शट डाउन नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ बैटरी उसकी यूज होती रहेगी, लेकिन जब आप यहाँ से शट डाउन कर देंगे तो हो जाएगा बंद। अब यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एरर्स अगर कोई स्कूटर में है तो वो पता चल जाएगा। बाकी जनरल में आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन बिन नंबर, और सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग है जिनको ऑटो इंडिकेटर, गाइड मी होम लाइट। गाइड मी होम लाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कार में, या फिर इस स्कूटर के बारे में आप जान लें, जैसे मान लीजिए आपने ये स्विच ऑफ कर दी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लाइट इसकी ऑन है, मतलब कि ये अभी लाइट थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो ये गाइड मी होम लाइट इसका यही सिस्टम होता है, थोड़ी देर लगेगा भाई ये बंद हो जाएगी। बंद होने दो, मैं भी कहाँ, हमें भी कहाँ जल्दी है, अभी बंद हो जाएगी, हो जा। ये देखिए ये बंद हो चुका है, ये बंद हो चुकी है। तो ये भी चीज़ इसमें आपको मतलब थोड़े से एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। अब हम थोड़ा सा भाई इसके मोटर को आपको दिखा दें, और इसकी बैकलाइट, इसकी सीट खोल के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो चार्जिंग आप देख लें, ये यहाँ से आपका चार्जिंग होगा।
जो आप जैसे कहीं पर जाके चार्ज करेंगे, जो इनके सर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं वहाँ पर जाके आप इसको चार्जिंग यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आप इसमें सामान टांगेंगे, चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है एथर की चाबी, और आप इसको लगाएंगे और यहाँ से अब इसको इसको यहाँ से भाई ये सीट खुल गई है। आप देखेंगे यहाँ पर सीट की लाइट भी मिल रही है। तो 22 लीटर की बूट स्टोरेज इसमें आपको मिलती है। यहाँ पर ये फ्रेम इसमें लगा हुआ है, बाकी फर्स्ट एड किट ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। मिरर मैंने आपको सही से नहीं दिखाया, आप देख सकते हैं मिरर इसका अब जो थर्ड जनरेशन में आया है पूरा मेटल का आया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको और दिखाना चाहूँगा जो कि आप डिटेल से जान लें। आप यहाँ पर देखेंगे डिज़ाइन फॉर द सिटी, परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3.3 सेकंड में पकड़ लेगा, टॉप स्पीड 80 की एज पर IDC 146 किलोमीटर इसमें आपको मिलेगा, जिसमें आप इको मोड में चलाएंगे तो 105 किलोमीटर, राइड मोड में जैसे जो हाई फाई मोड अगर आप चलाएंगे तो 85, स्पोर्ट मोड में 75, इतना ये चल जाएगा। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये अगर आप घर के लिए चार्जर लेना चाहते हैं जो आप दीवार पर फिक्स करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो चार्जर है, और यहाँ से ये ऐसे चार्ज होगा, ये चीज़ ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा भी इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चार्जर भी आपको मिल जाएगा, तो मतलब जब आप ख़रीदेंगे तो वो आपकी जो भी मर्ज़ी है वो आप ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे इनके चार्जिंग स्टेशन से कुछ भी चार्ज करेंगे तो ऐसा चार्जर रहेगा जो कि आप लेकर जाएंगे कहीं जहाँ पर इनका चार्जिंग स्टेशन होगा तो वो चीज़ आपकी फ्री में चार्ज हो जाएगी, आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरी जानकारी दी, मैंने आपको रेंज स्पेक्स फीचर सब कुछ मैंने बता दिए हैं। ये स्कूटर आपको कैसा लगा दोस्तों? हाँ, एक चीज़ रह गई है, इसके कलर अभी आप देख रहे हैं मिंटू ग्रीन, मतलब मिंट ग्रीन आप समझो, तो मिंट ग्रीन ये कलर है, और आप यहाँ पर देखेंगे ये है ब्लैक और ये है वाइट, ये तीन कलर में आपको स्कूटर उपलब्ध मिलेगा, आप इनको तीन कलर में खरीद सकते हैं दोस्तों। तो इनमें कौन सा कलर आपको पसंद आया आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो कैसी लगी आपको आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप लोग जानकारी ले सकते हैं, कमेंट करें, मैं यहाँ पर जब दोबारा आऊँगा तो आपको उन सभी जानकारियों को ज़रूर दूँगा। आपको इस स्कूटर के बारे में क्या देख कर लगा, कैसा फील हुआ, अपनी राय ज़रूर दें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।